हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और स्वागत है आपका दिल्ली के एक और नए पार्क में, मतलब दिल्ली का एपिसोड हम शूट कर रहे हैं। जी हाँ, एक नई जगह जो कि बहुत ही फेमस है और इस पार्क को बोलते हैं लोधी गार्डन। जी हाँ, मतलब दिल्ली की जितनी सारी घूमने की जगह है उनमें से फेमस जगहों में से एक है। तो मैं ये सीरीज़ कवर कर रहा हूँ दिल्ली की, जहाँ पर हम घूमने जा रहे हैं, जो बेस्ट जगह हैं दिल्ली में कौन सी घूमने की, तो वो हम कवर कर रहे हैं। तो अभी जो हूँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ लोधी गार्डन में। जी हाँ, जोरबाग मेट्रो स्टेशन इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। तो आप जब भी आप आते हैं जोरबाग मेट्रो स्टेशन पर आइए और वहाँ से जो है आप ऑटो लेके या फिर कैसे भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलते हैं सीधा लोधी गार्डन के अंदर और ये देखिए सामने प्यारा सा व्यू। तो भाई ये जो पार्क है वो फेमस है अपनी ग्रीनरी के लिए और यहाँ पे जो है प्री वेडिंग शूट भी होती हैं। मतलब बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पे और साफ़ बहुत ज़्यादा है यहाँ जो पार्क है। तो अभी मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ यहाँ पे कुछ, ये हेरिटेज साइट भी है एक, मतलब यहाँ पे फोर्ट्स बने हुए बीच बीच में। यहाँ पे जो है गाइस गार्डन्स लगे हुए हैं, जैसे कि हर्बल गार्डन है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के पौधे उगाए जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे पैथ बने हुए हैं और बीच में कुछ ऐसा योग स्थल बना हुआ है। गाइस हमेशा की तरह दिल्ली के जैसे पार्कों की बात करूँ तो इस पार्क में भी जो है बहुत सारे लोग आए घूमने, स्पेशली कपल्स। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं इस पार्क में। मतलब अगर आप में से लगता है मुझे बहुत सारे लोग आए होंगे यहाँ पे घूमने ऑफकोर्स, बट जो नहीं आए मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि ये जगह बहुत अच्छी है। अभी स्टार्टिंग में मैं काफ़ी पहले भी आ चुका हूँ। ये है इधर से हरियाली और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं घूमने। तो हिंदुस्तान के अलावा अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं घूमने यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस बहुत सारे लोग, मतलब मोस्टली लोग यहाँ पे फोटोग्राफी करने आते हैं, क्योंकि ये जो जगह है वो फोटोग्राफी के लिए बहुत ही फेमस है। और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे प्री वेडिंग शूट भी होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कैमरे लेके आते हैं लोग और पिकनिक बनाने आते हैं। अभी मई का महीना है तो बहुत कम लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, बट स्टिल फिर भी जो शौकीन है घूमने के वो आए हैं यहाँ पे। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये है टॉम्ब जो है, मैं कुछ इसके बारे में कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो है सिकंदर लोधी का मकबरा है यहाँ पे। ये जो है ये बीच दिल्ली में पड़ता है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है विदेशी पर्यटक भी घूमने आते हैं और स्कूली बच्चे हैं और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। यहाँ है भाई कबूतर। तो भाई हम लोग आ गए हैं पार्क की दूसरी तरफ, ग्रीनरी एक साइड में और इस साइड में जो है कुछ ऐसा है जंगल सा। नहीं भैया थैंक यू। ये जो जगह है भाई कुछ ऐसी है, ये देखिए यहाँ से रास्ता आता है, ये जो एरिया है हम चलेंगे इधर की तरफ। इस पार्क में जितने की आवाज़ आ रही है देख रहे हो पेड़ पे से, ये सुनो आप आवाज। तो भाई हर पार्क की तरह जो है यहाँ पे भी एक छोटा सा जंगल है। पर्सनली मुझे यहाँ पे आके भाई ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सुकून है यहाँ पे, मतलब कि चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ें दूसरे पार्कों में नहीं आती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा हैं और स्टिल बहुत सारे कपल्स हमेशा की तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कुछ हट्स बने हुए हैं यहाँ पे, मैं बीच बीच पार्क में ऐसे हट्स बने हुए हैं। ये भाई वेल मेंटेन पार्क, ये कुछ बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। ये फोर्ट की दूसरी तरफ आ गया मैं, मतलब आधा पार्क दिखा चुका हूँ आपको मैं। ये नारियल के पेड़ लगे हैं यहाँ पे, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब कोपचे बने हुए यहाँ से लोगों के लिए रहने के लिए ना बिस्तर। कपल्स की जन्नत में आ गए
और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये टॉम के साइड साइड में जब आप एंटर लेंगे तो एक राइट की तरफ रास्ता मुड़ता है, वो इधर आता है। तो मैं आपको एक लेक के पास लेके चलता हूँ। इस पार्क में एक छोटा सा लेक भी है और उसमें बत्तख हैं बहुत सारे जो कि अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको अभी लेके चलता हूँ वहाँ पे। तो भाई ये है वो लेक, बत्तख। ये छोटा सा लेक है। इन दोनों की तबीयत खराब है भाई, और ये दोनों से तीन चार हैं। ओह हो, ठंड में बैठे हुए हैं सारे बत्तख ना यहाँ पे, मतलब बहुत ही प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे। तो भाई हम लोग पार्क की दूसरी साइड आ गए हैं और आपने खूबसूरती देख ही ली होगी, कितने अच्छे लग रहे थे हंस। और यहाँ पे जो है बहुत बहुत साफ किया हुआ है इस पार्क को, मतलब ऐसा कुछ गंदा नहीं है यहाँ पे। और अलग अलग बेंचें लगी हुई हैं कपल्स के लिए साइड में, तो मैं उधर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आ रखे हैं। और आप यहाँ देखो, यहाँ पे टॉम्ब है बीच में, इस साइड से अगर आप आते हैं राइट साइड से तो ये आपको जगह दिखते हैं ऐसे। यहाँ पे कुछ लोग उधर बैठे हुए हैं और कुछ लोग उधर बैठे हुए हैं। तो भाई हम लोग अब चलते हुए चल रहे हैं इस टॉम्ब के अंदर। और ये देखो, ये सारे लोग जो हैं यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं। ठंड के टाइम पे जगह बहुत अच्छी लगती है, मतलब जब थोड़ी धूप कम होती है ऐसे बोल सकते हो आप। और ये लोग जो है मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे आके, टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छी जगह है। अगर आप एक दिन के लिए कहीं टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जैसे किसी छुट्टी में, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। बट अभी धूप है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि शाम के टाइम पे यहाँ पे या फिर सुबह के टाइम पे आइए यहाँ पे। इसमें जो है सिकंदर लोदी का कब्र है, यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है, ये देखिए। तो भाई लोग अब हम चलते हैं इस फोर्ट में और इधर बच्चे मस्ती करते हुए। तो भाई लोग, 2 घंटे से हम लोग घूम रहे हैं और 2 घंटे बाद हम लोग अब निकल रहे हैं सीधा घर की तरफ। और ये इस वीडियो करता हूँ मैं यहीं पे एंड। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छी लगे तो बताना, अगर अच्छी नहीं लगे तो भी बताना। और हम चल रहे हैं अब सीधा और आपसे मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।